तो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप फोर्ट की एक्सपीडिशन मैक्स सिविलियन जो कार है वो कैसे इंस्टॉल करें आपके GTA 5 में। तो दोस्तों, ये जो 10 MB की फाइल है ये आपको डाउनलोड कर लेनी है। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये फाइल मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, मैं डाउनलोड नहीं करूँगा। तो ये फाइल डाउनलोड करने के बाद आपको इस फाइल को कर लेना है एक्सट्रैक्ट फाइल, ओके। फिर जब आप ये फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लोगे तो फोल्डर बन जाएगा। फिर आपको फोल्डर पे डबल क्लिक करना है। फिर जो एडोन वाला फोल्डर है उसे आपको ओपन करना है। फिर ये जो फोल्डर है ना गाइस, इसे आपको राइट क्लिक करके कॉपी करना है। फिर आपको आपकी जो GTA 5 की डायरेक्टरी उसमें आना। फिर जो मॉड्स का फोल्डर है उसे आपको ओपन करना है। मॉड्स अपडेट 64 DLC पैक्स, और बस यहीं पे पेस्ट कर देना। फिर जो आपका ओपन आएगी उसे आपको ओपन करना है। मॉड्स अपडेट update.rpf कॉमन डेटा, यहाँ तक आना है आपको। जो DLC लिस्ट है इसे अपन करेंगे एडिट। अपन का आना बैक, ये जो लिखा है इस रीड में इसे आपको करना है ओपन। और गाइस, ये वाली फाइल है इसे आपको कर लेना है कॉपी, और रीड में को करना है आपको क्लोज। और ये जो DLC लिस्ट है वो अपन इसे करेंगे एडिट। पहले आपको जो ये एडिट मोड है इसे आपको करना ऑन, और ये जो इसे करता है एडिट नीचे आना, स्क्रॉल डाउन 1 सेकंड गाइस। अब ये जैसे कि ऐसा दिखेगा आपके इसमें, अब आपको लगाना एंटर कीबोर्ड पर। फिर यहाँ पर लिखाएगा पेस्ट। फिर अब यहाँ पर आपको कर देना है सेव। अब जो आपका जो गेम है आपको उसे कर लेना है ओपन। तो यार दोस्तों, जब आपका जो गेम है वो आप ओपन कर लो, फिर आपको थोड़ा इधर बाहर आना है। फिर जो आपका नया ट्रेनर है वो आपको करना है एंटर करवा के ओपन। फिर जो ऐसा ऑप्शन वगैरह लिखा है व्हीकल ऑप्शन, व्हीकल किसको में निशान इनपुट मॉडल लिखा आएगा यहाँ पे। फिर आपको लिखना है EXPMAX20, इतना लिखना है और इंटर दबा देना है। तो ये हमारी कार है, ये सक्सेसफुली इंस्टॉल। सकते हैं मतलब बिना जो भी क्रेश भी नहीं हो रहा है, सही साथ इंस्टॉल हो चुकी। क्या लुक लग रहा है देख सकते हैं, ये पूरा HQ इंटीरियर मॉडल है भाई। मतलब पूरा कातिल लग रही गाड़ी, कातिल पूरी सही साथ लग रही है गाड़ी। देख सकते हैं हमारे फ्रंट मॉडल क्या लग रहा है कार के साथ ये। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दीजिएगा, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। मैं ऐसे ही अच्छी वीडियोस लाते रहूँगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।